घटना से दुखी हूं, ये बाबा सूरजपाल कह रहा है। शासन प्रशासन पर भरोसा रखें, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घायलों के साथ मेरी संवेदना है पूरी। हादसे के बाद बाबा का ये पहला बयान आया है सामने। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन-मन-धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। उधर हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस पुलिस ने उसे दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। सत्संग में हुए हादसे के बाद से ही लगातार वो फरार था और पुलिस ने मधुकर पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मधुकर सत्संग का मुख्य आयोजक था और दिल्ली के उत्तम नगर से अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये दो अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें हाथरस हादसे का ये मुख्य आरोपी मधुकर दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भोले बाबा उर्फ अमरपाल, इसका बयान भी आ गया है सामने। फिलहाल कहाँ है इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन पर भरोसा रखने की बात कह रहे हैं। मृतकों के प्रति परिजनों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब तक यही बड़ा सवाल उठकर जो सामने आया है कि हर नेता अपना दुख दिखा रहा है, सांत्वना दिखा रहा है, मुआवजा बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन कोई भी सत्संग करता भोले बाबा की गिरफ्तारी या फिर FIR में उनका नाम ना होने को लेकर सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा है। यही एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। हमारे साथ हाथरस से हिमांशु शुक्ला हैं, हमारे साथ सुमेश शर्मा भी हाथरस से ही मौजूद हैं। दोनों से आज की इन दोनों अपडेट्स के ऊपर और जानकारी ले लेते हैं। हिमांशु, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी। देखिए, गिरफ्तार कर लिया गया है जो मुख्य आरोपी है, दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तारी की गई है मधुकर की। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि देखिए, अब तक जिनका ये सत्संग किया जा रहा था, वो शख्स, वो बाबा जो है भोले बाबा उर्फ अमरपाल, उसकी गिरफ्तारी को लेकर ना FIR में उनके नाम को लेकर कोई चर्चा की जा रही है। आज की क्या अपडेट्स इस पूरे मामले पर सामने आने वाली है, क्योंकि अब तो भोले बाबा का बयान भी जारी आ गया है। बिल्कुल, देखिए कंचन, आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया और मधुकर की गिरफ्तारी कल देर रात दिल्ली से हुई है। लिहाजा उसके बाद अगले दिन आज बाबा भोले बाबा सूरजपाल नारायण हरि साकार,
ये जो तमाम नामों से जाने जाते हैं आज मीडिया के सामने आए हैं, वो भी चार दिन के बाद। लिहाजा ये संभवतः एक सोची समझी रणनीति के तहत है, चार दिन बाद उन पर पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा या मीडिया का प्रेशर रहा होगा या उनके अनुयायी का प्रेशर रहा होगा कि वो अब मीडिया के सामने आए हैं और अपना बयान रखा। और देखिये जिस तरीके से लगातार बाबा की तलाश की जा रही थी, आज बाबा स्वयं मीडिया के सामने आए, अपना बयान दिया है, संवेदनाएं प्रकट की है। लेकिन सवाल यही है कि संवेदनाएं प्रकट की हैं तो चार दिन बाद क्यों की हैं? कौन सा ऐसा प्रेशर था बाबा के ऊपर? क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा था या कोई सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। इसके अलावा बाबा के अनुयायी का प्रेशर है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें अब सामने आने लगी, फिर चाहे एमपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के हाथरस से, आसपास के अन्य जिलों से जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्तगण हैं, अब उनमें भी रोष देखने को मिला है, क्योंकि वो भी मुखर हो गए। उनका कहना है कि चार दिन बाद, मतलब चार दिन हो गए, अब आज बाबा सुबह मीडिया से मुखातिब हुए हैं, लेकिन अब तक कहाँ थे? बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों लोगों से नहीं मिल रहे थे? या जो अनुयायी 121 मर गए हैं, जिनकी दर्दनाक मौत हुई है, उनके परिवारों के प्रति संवेदनाएं क्यों नहीं प्रकट कर रहे थे? ये तमाम बड़े सवाल थे जो उनके भक्तों के मन में थे, और वो मुखर होकर इस चीज को बोलने लगे। बाबा को कहीं ना कहीं डर सताने लगा होगा अपनी उस आडंबर का जो उन्होंने तैयार कर रखा है, जो अपनी विरासत तैयार कर रखी, इतनी लंबी चौड़ी बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, उन आश्रम में आएगा कौन? लिहाजा कहीं ना कहीं वो डर था, वो डर देखने को मिला। और उसके बाद एक लिखी पढ़ी लिखी हुई स्क्रिप्ट को बाबा ने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने संवेदनाएं भी प्रकट की हैं, दोषियों पर कार्रवाई की भी बात की है, लेकिन अपनी बात कहीं नहीं कही है। अपने जो गलती हुई है या गलती हुई है या सूरज नहीं पाल हुई है, मानसू बहुत मोटी मोटी शब्दों में बात की है। एक तरफ तो मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है, शासन प्रशासन के लिए कहा है कि आप शांति बनाए रखिए, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोषियों की लिस्ट में यहाँ बाबा का नाम अब तक नहीं है, सूरज पाल का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? पहला सवाल तो एक ये भी है। हमने देखा कि राहुल गांधी भी यहां पर घटनास्थल पर गए, अखिलेश यादव भी गए, लेकिन कोई भी सूरज पाल के नाम का जिक्र ही नहीं करता है। कल जब राहुल गांधी से भी सवाल किए गए थे सूरज पाल के नाम को लेकर, तो वो भी चुप्पी साधते हुए नजर आए। हाँ, वो मुआवजे की बात जरूर कर रहे थे कि भाई मुआवजा बढ़ाना चाहिए, और वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे कि बेहतर मुआवजा यहां पर मृतकों के परिजनों को मिले। लेकिन बड़ा सवाल सुमित यही बना हुआ है कि आखिरकार सूरज पाल अब तक कहां था, और मोटी मोटी वो बात कर रहा है, क्या उसको प्रशासन की तरफ से कोई समर्थन मिल रखा है? क्या वहां पर उसको संरक्षित किया गया है? कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? क्योंकि आज जब मीडिया से बात करेगा तो यह जानना बहुत जरूरी होगा कि किसका ऐसा संरक्षण मिल रखा है जिसको लेकर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी गई, कोई मायूसी नहीं देखी गई। हां, वो सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनको यह भी संतुष्टि है कि ना उनकी गिरफ्तारी होगी और अब तक एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। सुमित जी, आपको बता दूं कंचन कि सबसे पहले कि मधुकर को देर रात को हाथरस पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और हाथरस में देर रात को लाया गया है। पुलिस की टीमें, एसआईटी की टीमें मधुकर से पूछताछ अभी कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर कि वो बाबा के कितने करीबी थे और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन किया गया था, फंडिंग कहाँ से हुई थी, इतने आयोजन के लिए जो पैसा खर्च होता था उस पैसे की व्यवस्था किस तरह से की जाती थी, किस तरह से ये पूरा ग्रुप बनाया जाता था, कमेटी बनाई जाती थी। अगर बाबा की बात करेंगे तो बाबा का एक बयान सामने आया जिसमें बाबा मोटे मोटे शब्दों में चंद बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तारीख की घटना को लेकर दुख तो उन्होंने जाहिर किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 तारीख को जब वो वहां से निकल रही थी किस तरह की घटना घटित हुई थी और उसके बाद उन्होंने मृतकों की, उनको सबकी मदद क्यों नहीं की, उनके सहयोगी और जितने सेवादार थे वो वहां से फरार हो गए, सबको लेकर बाबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगर बाबा की बात करेंगे तो बाबा जो है चार दिन बाद आज बाबा ने अपना एक बयान जारी किया है सूरज पाल बाबा ने, उसमें बाबा ने यही कहा है अपने वकील को कहते हुए कहा है कि जितने भी मृतक जन है उन सबके घर पर जाएं, उनकी मदद करें, तन मन धन से जीवन भर मदद करें। लेकिन बाबा ने उस पूरी 2 तारीख की घटना का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया है और ना ही ये बताया कि किस तरह से वो घटना घटी थी। हालांकि बाबा ने कहा है कि पूरी घटना को लेकर एक साजिश है और साजिश के शासन प्रशासन पूरी साजिश पे जो है खुलासा करेगा और सबसे निवेदन किया है कि शासन प्रशासन पर विश्वास रखें। बाबा ने अपने आप को बचाते हुए उस घटना को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है सुमित। हिमांशु, एक सवाल आपसे मेरा मधुकर की गिरफ्तारी को लेकर रहेगा, एक बार हमारे दर्शकों को अपडेट दे दीजिए मधुकर की गिरफ्तारी किस तरह से की गई है, क्योंकि दिल्ली से उत्तम नगर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस लिस्ट में गिरफ्तार किए जाने वाले लिस्ट में मुख्य जो आरोपी बनाए गए हैं मधुकर ही बनाए गए थे, अब इनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के पास और कितने लोगों की लिस्ट है अभी और कितने लोगों को पकड़ा जाना है?
बिल्कुल देखिए कंचन, आपको बता दें कि गिरफ्तारी के दो पक्ष हैं, एक एपी सिंह वकील का पक्ष है और दूसरा पुलिस के अधिकारियों का पक्ष है। एपी सिंह का कहना है कि हमने सुपुर्द किया है, स्वेच्छा से पुलिस को सौंपा है ताकि वो जो जांच चल रही है उसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है वो ये कहना है कि दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके लाया गया है क्योंकि मुख्य आरोपी है, लिहाजा उससे तमाम सवाल हैं जो पुलिस के मन में थे, जो आपके हमारे मन में थे, ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस लगातार टीमों का गठन करके दबिश दे रही थी। आगरा एसटीएफ पुलिस की तरफ से जो वर्जन दिया गया उसमें जो सूत्रों के मुताबिक है वो ये है कि आगरा एसटीएफ जो है उसे उठा के लाई है दिल्ली के नजफगढ़ से। एपी सिंह का कहना है कि उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था दिल्ली के, लिहाजा उसको जब डॉक्टर ने कह दिया वो पूरी तरीके से स्वस्थ है तो हम लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। अब ये देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी होगी, उसमें तमाम सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन मधुकर एक बड़ी कड़ी था, मधुकर एक पुलिस के लिए सिरदर्द था, एक नासूर था क्योंकि 2 तारीख की घटना थी, कल देर रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। हालांकि नोएडा एसटीएफ, आगरा एसटीएफ, तमाम एसटीएफ की यूनिट्स लगातार दबिश और रेड कर रही थी, लेकिन कल देर रात उनको सफलता मिली है। अब ये सफलता मिली है या जो एपी सिंह ने कहा है उसमें कोई सत्यता है, क्योंकि एपी सिंह ने इसको लेकर अपने बयान भी जारी कर दिया था। फिलहाल जिस तरीके के सवाल अब उनसे पूछे जाने हैं उससे कहीं ना कहीं मतलब जिन नियमों कायदों को ताक पर रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें मधुकर मुख्य आरोपी बनाए गए थे, अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु और सुमित, आप दोनों का बहुत ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको एक बार फिर से सुना देते हैं भोले बाबा उर्फ सूरज पाल क्या कुछ कह रहे हैं। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं, प्रभु हमें बसंगत को इस दुख की घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको छवि ने माना भी है। छवि इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। छवि महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है। छवि को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हाथरस हादसे पर मायावती का भी ट्वीट आ गया है सामने। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं वो, बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है कह रही हैं। 121 लोगों की मौत चिंताजनक है। तो हाथरस हादसे पर मायावती का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट है जिसमें लगातार मांग कर रही है कि 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार जो भी है उसको कतई बख्शा ना जाए, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो हो ही हो लेकिन बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी, 121 लोगों की मौत चिंताजनक। इस बीच आपको बता देते हैं हाथरस हादसे की जांच के लिए बना न्यायिक जांच आयोग, आज हाथरस जाएगा। आयोग घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगा। न्यायिक जांच आयोग की टीम सुबह 11 बजे हाथरस पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे तक टीम डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेगी। दोपहर 1 बजे टीम घटनास्थल पर जाएगी और दोपहर 2 से 4 बजे तक निरीक्षण करेगी। शाम 6 से 8 बजे तक एडीजी आगरा जोन, कमिश्नर अलीगढ़, आईजी अलीगढ़ समेत अन्य अफसरों से मुलाकात का कार्यक्रम है।
दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उधर हाथरस हादसे में दर्ज केस में SC ST धारा बढ़ाने की तैयारी है। थाना सिकंदरा मऊ में दर्ज मुकदमे में SC ST एक्ट की धारा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि हादसे में मरने वालों की बड़ी संख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी गैर अनुसूचित जाति के हैं, इसीलिए SC ST एक्ट लगाने से घटना में मारे गए अनुसूचित जाति के लोगों को 8 से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। अभी गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हाथरस हादसे की रिपोर्ट SIT ने शासन को सौंप दी है। ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में चल रही जांच में DM SSP करीब 100 लोगों के बयान हुए हैं और इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT जांच का आदेश दिया था। ADG आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर चित्रा वी को जांच का जिम्मा मिला है। SIT ने हाथरस हादसे में जांच का दायरा बढ़ाया है। 2 सदस्यीय SIT टीम की रडार में कई लोग हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट में घटना के वक्त पहले अफसर और राहत कार्य में जुटे लोगों से भी बात की गई है। SIT ने अब तक की जांच में आयोजकों को दोषी माना है। SIT की डिटेल्स रिपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। SIT साजिश के एंगल से जांच कर रही है और इस मामले में भोले बाबा उर्फ सूरज पाल से भी पूछताछ होगी। हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत के बाद अब बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई देने लगा है। कल तक जिन घरों में लोग उनकी पूजा किया करते थे, आज वही लोग उनकी तस्वीर को चप्पलों से पीट रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा का भी एनकाउंटर हो, बाबा में भी कोई खास बात या फिर कोई सिद्धि नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बड़े चमत्कारी होते, भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा ना रोक सकते हो। हाथरस की घटना जिसमें 121 जिंदगी तबाह हो गई, किसी के सिर से पिता का साया तो किसी के सिर से माँ की ममता छिन गई। अब उसी गम और मातम में बाबा नारायण हरि के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्सा है ये गुस्सा है साहब, गुस्सा है ये। इतना परिवार आदमी बिछड़ गया, एक एक पूरे परिवार खत्म हो गया है, इसमें ऐसे नहीं मारना चाहिए। जिस सामने और आ जाना चाहिए तो मैं तो सामने मारूंगा भाई। बाबा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बाबा की तस्वीर पर चप्पलों की बारिश हो रही है, बाबा के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। उसमें एक तो प्रशासन की भी कमी है, अगर प्रशासन ने वहाँ पर अगर परमिशन दी है तो प्रशासन को खुद देखना चाहिए थे वहाँ पर। अगर प्रशासन देखता वहाँ पर एक्शन लेता तो ये इतना दुर्घटना नहीं घटती। अगर सरकारी कोई कर्मचारी होता या पुलिस वाला होता, 2-4 डंडे मार देता, उससे जे इतने लोग की दुर्घटना नहीं होती, बच जाते, हाथ पैर टूट जाता, उससे कुछ नहीं होता, पर इतने लोग तो बच जाते ना। बाबा की क्या कमी मानते हैं? बाबा पे FIR होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए ना, प्रशासन को सोचना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कल तक जिस बाबा को लोग अपना आदर्श मानते थे, बाबा के चरणों की धूल को छूने मात्र से अपनी मुरादें पूरी मानते थे, अब उसी बाबा के खिलाफ एनकाउंटर की मांग हो रही है। हमें कोई विश्वास ना था, सब अंधविश्वास है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने बाबा हैं सब उनके एनकाउंटर होने चाहिए और जितने सत्संग हैं सब बंद होने चाहिए।